जी तो इनकी छोड़। वेलकम टू अवर चैनल कसाब सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अब मेरे से बोलना नहीं चाह रहा, मैं बहुत मुश्किल से बोल पा रही हूँ। बताऊँगी अभी क्या हो रहा है। अभी वैसे मेरे हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो मेरी आज की छुट्टी है, आज 5। और मेरे माता निकल रही है तो मेरे यहाँ तो नहीं निकली, बस इतनी हो रहे थे, ये तो ठीक हो जाएंगे। मेरे मुंह के अंदर निकल रही है, बहुत ज़्यादा है, मेरे मुंह के अंदर बहुत ज़्यादा जुकाम है। मैं ब्लॉग के लिए बोल पा रही हूँ इतना भी नहीं, तो मेरे पे नहीं बोलना चाह रहा। और अभी मैं कान्हा जी को स्नान करा रही हूँ। मेरी मम्मी ने कान्हा जी की ड्रेस बनाई थी, आज मैं वो बनाऊंगी जो मम्मी ने कल बनाई थी। और परसों मैंने वीडियो बनाई थी लेकिन वो मैंने डाली नहीं थी, तो उस वीडियो को भी मैं इसमें ही एडिट करूंगी। मैंने उसमें दिखा रखे हैं कि माता मेरे कहाँ कहाँ हैं, जब मेरे आराम नहीं, जब का और अब का मैं दोनों का दिखाऊंगी। तो पहले मैं अब वो ड्रेस देखूँ और वो देखो जो मेरे हो रहा था, मतलब कैसे हो रहे थे, और फिर मैं ये तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये परसों की वीडियो है, इसमें मेरे कम है और जो अब की दिखाऊंगी उसमें ज़्यादा। पहले बहुत ज़्यादा थे रेड रेड कलर के, इधर भी होंगे, पीछे भी थे, देखो। ये देखो, रुक जाओ पहले, इधर का हाथ हो गया, अब इधर का दिखाती हूँ मैं। और ये भी बताइए, और ये ही वाली लेस मम्मी ने यहाँ पर भी लगाई है, सुनना सुन। सबसे पहले आप ये देखिए, ये मेरी मम्मी ने कान्हा जी के कपड़े सीधे थे इनके, तो मेरी एक ताई जी हैं, वो भी मेरी ताई जी लगती हैं, उन्हें ये कपड़े बहुत ही ज़्यादा पसंद आए, तो उन्होंने कहा एक हमारे कान्हा जी का भी सिल दो। तो उनके कान्हा जी इनसे थोड़े से ही बड़े हैं, तो ये देखो ये सेम ऐसा ही सील रखा है जैसा इनका है, देखो। और ये देखो ये ही लेस है दोनों पर, इधर भी, और यही वाली लेस इधर लग रही है सिंहासन पर, ये देखो। इसमें ना ये एक चीज ज्यादा है, इसमें मैंने लटकन बना के लगाई है, इसमें लटकन नहीं लगी है, इसमें मैं लगा दूंगी वैसे, उसमें भी बड़े थे, बड़े कान्हा जी के, ये 8 नंबर के कान्हा जी के हैं, और ये वाले जो कान्हा जी हैं वो ये 5 नंबर के कान्हा जी हैं। तो इनकी थोड़ी छोटी ड्रेस है, ये थोड़ी सी बड़ी बनाई है, इसमें ये भी लगाए हैं क्योंकि वो बड़े थे। मेरे पैरों पे भी देखो, तो मेरे जब ऐसे हो रहे थे, अब मैं दिखाती हूँ, तो जब मेरे ऐसे हो रहे थे और अब मेरे ऐसे हो रहे, दोनों ड्रेस दिखाती हूँ, अब कुछ ऐसे हो गया। वो जो मैंने आपको ड्रेस दिखाई है परसों की, वो आई जी के ही कान्हा जी हैं, उनकी लड़की के कान्हा जी हैं, वो उनके लिए बनाए थे, और ऐसे सेम इनके पास है। तो जो मेरी मम्मी ने कल ड्रेस बनाई थी, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। तो एक तो ये ड्रेस सी ली थी मेरी मम्मी ने, ये ड्रेस एक ये सी ली थी और एक ये सी ली थी, और वो जो दूसरी वाली ड्रेस है ना, वो जिन ताई जी के
ये वाले कान्हा जी है उनकी लड़की की है, जो मैंने आपको परसों की ड्रेस दिखाई है जिनके लिए वो सिली थी, ये वाली भी उनके लिए ही है। और ये वाली छोटे कान्हा जी के लिए इनके लिए है। उड़ी माला अब मैं इनके कपड़े उतारती हूँ, तो अब मैं नहलाती हमारे ना जो घर के पास वाला मारड़ी मंदिर है ना, वो जो मारड़ी है वहाँ पर ना काली माता की मूर्ति स्थापित होगी, तो वहाँ पर ना रोज हवन होता है। अगर आपको आवाज आ रही हो तो वो प्राण आ रही होगी, प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं वो, उसका पाठ चल रहा है। अच्छा, और उनके जो गोरखनाथ जी का मंदिर है उनके बराबर में काली माता का मंदिर बनाया है, तो वहां पर स्थापित होंगी वो प्राण प्रतिष्ठा करवा के। तो पता चल गया आपको, अगर आपको आवाज आ रही होगी इसमें तो वो उसकी आ रही है मंत्रों की। मैं इस पर ये चादर बिछा देती हूँ राधे राधे की, मैं ये चादर बिछा कर इन्हें बैठा दिया है। अब मैं इन्हें लंगोट पहनाऊंगी, तो मैंने इन्हें पहना दिया है, अब मैं इन्हें ये कपड़े पहनाऊंगी, हमें इसके पीछे ये भी लगाए हैं, मैंने इनके पीछे जो बांधे हैं जो वो कितने अच्छे लग रहे हैं। मैंने इनका पूरा मेकअप कर दिया है, श्रृंगार कर दिया है, अब मैं करूँगी माता रानी की पूजा, तो वो देखो।